संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा लिया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल लेगा? और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार प्रभु हमें कहते हैं, मानवीय जीवन केवल नियम और कानून का आधार पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के शिष्य के अनुसार जीवन बिताना है। हम कभी कभी नियमों के आधार पर दूसरों के जीवन को देखते हैं और निर्णय करते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य के अनुसार मानवीय गुणों को बढ़ावा देते हैं और सुसमाचार में कहते हैं, हमें प्यार, न्याय और दया के साथ उचित करना चाहिए। हमें प्यार, न्याय और दया के साथ काम करना चाहिए, जो गुणों को आजकल निकल रहे हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, आप सब एक नया स्वभाव धारण करें। आप लोग ईश्वर की पवित्र और प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों में अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता का धारण करनी चाहिए। आज हम देखते हैं लोग अपने अनुभव को लेके आते हैं, हमारे मन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, कई बीमारियों से पीड़ित है, कई परेशानियों से पीड़ित है। प्रभु कहते हैं, हमारे परिवारों में, पति पत्नी के बीच में एकता और प्यार नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इस शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। मानवीय जीवन का मुख्य पतन का कारण ये गुणों का अभाव है। हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए हम टाइम नहीं देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ज्योति बनकर इन संसार आया हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हैं वह अंधकार में नहीं रहे। प्रभु को आवाज़ सुनने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, प्रभु का वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन में जब समस्या आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, तब प्रभु के सान्निध्य को अनुभव करना जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़े मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के आवाज़ सुनने के लिए हमारे हृदयों को खोले, हमारे आँखों को खोले, हमारे कानों को खोले, मन को खोले, ताकि प्रभु के वचन हमारे मन में स्वीकार करे, उसके अनुसार हमारा जीवन को व्यतीत करे। जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, प्रभु को शिक्षा के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाती है, हमारे परिवार में एकता, मेल मिलाप, प्रेम आ जाते हैं। पवित्र आत्मा का ये वरदानों को पाने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु
हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।